हृदयनाथ की बर्थडे आज है, उसका जन्मदिवस. मैं उसको बहुत बधाई देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि वो और तरक्की करें और संगीत में उसका और भी नाम हो, क्योंकि वो बहुत अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर है. उसके जितने गाने मेरे किए हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर उसमें मराठी ज़्यादा है, हिंदी कम है. पर उसने कैसा काम किया है, बहुत कम लोगों ने इतना अच्छा काम किया है. हर साल एक ही बार आता है, लेकिन मेरे ज़िंदगी में ये पहली बार आया है और मैं इसके लिए बहुत मतलब आभारी हूँ. और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ जो मुझे आज ऐसे माहौल में और ऐसे दिग्गज लोगों के बीच में बजाने का आज अवसर मिला. आज जी लोग समोर बसले ते तर मुझे अपन असं स्वप्नात असल्यासारखं वाटतं. श्रीमती लता मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मीनाताई, उषाताई सगळे लोक बसलेले आहेत आणि इट इज अ ग्रेट प्लेजर अँड ऑनर टू परफॉर्म हियर. इस बात पे बहुत मुझे गर्व है कि मेरा भाई इतना अच्छा संगीतकार है, गाता भी है, और उसका बहुत वो पढ़ता है, किताबें उसने पढ़ी है, उसको सब मालूम है, रामायण महाभारत जो भी आप उसको पूछिए वो सब जानता है. और ऐसे भाई पे आदमी को गर्व नहीं होगा तो क्या होगा, मुझे बहुत खुशी. देखिए क्या होता है, ये जब इतने बड़े हस्ती सामने बैठे रहते हैं तो वहाँ पे जो हम लोग सीखे हैं, जो पहले जो भी काम किए हैं वो सब उसका कोई मायने नहीं रहता है. उस टाइम पे क्या करेंगे उसका मायने है. और वो बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों के सामने बजाना, लेकिन ऐसे लोगों के सामने अगर नहीं बजाएंगे तो मुझे लगता है आशीर्वाद भी नहीं मिलता है. और ये एक क्या बोलते हैं, एक लेसन है, सीख है और प्रेरणा है. वी आर प्लेइंग टुगेदर, आम्ही लोक खूप वर्ष आता एकत्र वाजवतोय, ते तर आहेच. आणि शिवाय एक स्पेशल थिंग नेहमी असते की आम्ही एकमेकांच्या म्युझिकवर प्रेम करतो. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वेन वी वर्क टुगेदर. सो यू हॅव टू लाईक, यू हॅव टू लव इच अदर्स म्युझिक. सो दॅट इज देअर. सो वी एव्हरी टाइम वी एन्जॉय लाईक एनिथिंग प्लेइंग टुगेदर. और आज उसकी बर्थडे पे खास साहब जैसे लोग यहाँ आए, ये मैं सौभाग्य समझती हूँ हम लोगों का. सारे मंगेशकर उनके बहुत आभारी हैं और हम कभी नहीं भूलेंगे कि वो आज यहाँ आके उन्होंने अपना गाना पेश किया. और वो इतना अच्छा गाए हैं, इतना अच्छा उन्होंने बजाया है कि मैं सबकी आभारी हूँ और आप लोगों की भी आभारी हूँ. मुझे लगता है पूरे जनरेशन का दरवाज़ा खुलता है, जो आगे मुझे लगता है जो आगे दूसरे यंग कलाकारों को भी यहाँ मौका मिलेगा बजाने के लिए. और भारत रत्न लता मंगेशकर जी सामने बैठे हुए हैं, पंडित हृदयनाथ जी मंगेशकर बैठे हुए हैं, तो इससे बढ़िया ऑडियंस तो शायद मुझे लगता है दुनिया में कहीं मिलना मुश्किल है. और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझता हूँ. आमच्या सगळ्यांकडनं, पूर्ण आर्टिस्ट फेटर्निटीकडनं अगदी मनापासून त्यांना म्हणजे भरपूर एकदम आरोग्य आणि अत्यंत चांगलं आयुष्य त्यांचं राहावं ही मनापासून इच्छा, मनापासून इच्छा. ते आपल्याबरोबर राहो कायम.